इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ है और हर बच्चे को यही एस्पायर करना चाहिए कि मैं बढ़ाओ के अपना क्या रोल अदा कर सकता हूँ इस मुल्क के आज़ादी के लिए और मेरे जैसा आदमी जो शायद बहुत कुछ ना कर सकता हो तो मैंने इंटरनेशनल दुनिया का रुख किया जिधर मैं ख़ुद ही यहाँ बचपन से यहाँ रह रहा था 2001 से मैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन और सब कमीशन होता था वहाँ आया यहाँ आया जी जिनीवा में अफकोर्स कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में यह ह्यूमन राइट्स के मैकेनिज़म्स का टाइम के साथ बहुत दोस्तों के मेहनत से सीखा स्लोली स्लोली और थैंक गॉड आज आ, हम जब यू एन चलते हैं फिरते हैं लोग भी बलोचिस्तान इश्यू को जानते हैं और जब से मोदी साहब ने रेड फोर्ट पर ऐलान किया और बलोचिस्तान के हकूक और जुल्मों का इज़हार किया तो माशा आप इधर देखें बलोचिस्तान कॉज इज बिंग प्रोमोटेड ऑन डिफरेंट स्केल ना बलुचतान के पोस्टर लगे हुए हैं जिनीवा में यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं ब्रीफिंग्स हो रहे हैं लोग तकरीर कर रहे हैं और आप जैसे न्यूज़ चैनल रेपूटेबल न्यूज़ चैनल्स इंडिया से उठ के यहाँ आएँ मेरा इंटरव्यू लेने के लिए सो दिस इज़ अ वेरी गुड डे इन हिस्ट्री फॉर द बलोच पीपल एंड बलोचिस्तान पाकिस्तान आप पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एसेशन विलय क्यों नहीं मानते ये पाकिस्तान खुद एक इलीगल एंटिटी है अगर मैं पाकिस्तान के हिस्ट्री में जाऊं तो आप सब लोगों को पता है सिवाय पंजाबी पाकिस्तानी और कुछ कंफ्यूज्ड पठान जो उनके साथम्पलेस हैं ये पाकिस्तान गोरे का बनाया हुआ एक फेक मुल्क है जिस जो जिना ने बनाया जो मैं तो कहता हूँ वो पोर्क ईटिंग वाइन ड्रिंकिंग काफिर आदमी क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान है ये कहते हैं इसे गॉड्स क्रिएशन भाई गॉड्स का क्रिएशन नहीं है नाम भी कैम्ब्रिज में उन्होंने कॉइन किया था पाकिस्तान लैंड ऑफ द प्योर तो ये पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं वो मानते हैं कि पाकिस्तान एक आ, एक सेंटली स्टेट है हमारा कोई ताल्लुक ही पाकिस्तान से नहीं है एब्सोल्युटली नॉन वट जोर से हमको कब्जा किया गया अभी बोलते हैं हम सब मुसलमान भाई आप इतने बड़े मुसलमान हैं तो ईरान को भी साथ ले लो सऊदी भी आप साथ ले लो ओमान जितने भी इस्लामी आते हैं सब एक एक यूनियन बना लो ही क्यों बलोच को कब्जा करने के लिए यह जवाब इस्तेमाल किया जाता कि है कि आप मुसलमान भाई आप ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हैं यूनाइट नेशन के क्यों कोई मानव अधिकार संस्थाएँ एन जी ओ आपकी मूवमेंट से इतफाक नहीं रखती या आपकी मूवमेंट को इंटरनेशनल uh, प्लेटफॉर्म पर आवाज़ नहीं देती जी ये तो डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे मेरे ख्याल में किसी के आंखों में आंसू नहीं आएगा जब इंटरनेशनल डायनामिक्स चेंज रीजनल इंटरेस्ट चेंज सुपर पावर्स के इंटरेस्ट चेंज होंगे तब वो हमारे इशू को उठाएंगे एंड आई थिंक हमारा लॉबिंग का एक फाउंडेशन रहा है कि पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली अ रोग नेशन दैट इज़ अफेक्टिंग माई नेशन वो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है एक्सपोर्टर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है एक्सपोर्टर ऑफ टेरिस है एक्सपोर्टर ऑफ़ ड्रग्स है मतलब जो भी खराबी इस रीजन में और दुनिया में वो फैलता पाकिस्तान से पाकिस्तान एक ऐसा कैंसर है जो इन्फ्लुएंजा जैसे फैल रहा है <laughs> कैंसर जो आप बोलते हैं सदाम हुसैन बुरा डिक्टेटर था और कोई डिक्टेटर बुरे थे वो बिल्कुल बुरे होंगे वो एक ऐसा कैंसर था विच वॉज अफेक्टिंग ओनली द बॉडी ऑफ दैट नेशन ये पाकिस्तान का कैंसर इन्फ्लुएंजा वायरस जैसा है ये सबको फैल के लग रहा है